ये एक ऐसा विषय है जो मानव जाति के भविष्य का निर्धारण करेगा। एक ऐसा विषय है जो हमारी दुनिया को और उसकी बुलंदियों को चुनौती देगा। ऐसा विषय जो समाधान कम और समस्या अधिक पैदा करेगा। एक ऐसा विषय है जिसके समाधान के लिए पूरी दुनिया को एक साथ निगाह रखनी पड़ेगी। इस संवेदनशील वैश्विक विषय ने जिसने सारी दुनिया को परेशान कर रखा है वो है जलवायु में परिवर्तन। पहले जलवायु में होने वाला स्वाभाविक परिवर्तन विभिन्न कारणों से हुआ, लेकिन आज हम इसके लिए इतना परेशान क्यों हैं? पिछले 200 सालों में मानव की कुछ गतिविधियों से, जैसे लकड़ी का ईंधन की तरह प्रयोग और जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने बढ़ते हुए ग्रीनहाउस प्रभाव में बढ़ोतरी की है। परिणाम स्वरूप तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ कई अन्य परिवर्तन भी पूरी दुनिया में हुए। जंगल प्रकृति के वो साधन हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और वायु को शुद्ध बनाते हैं, लेकिन पिछले 15 सालों में अंधाधुंध कटाई से 200 मिलियन हेक्टेयर जंगल गायब हो गए हैं और ये भारत के करीब आधे क्षेत्रफल के बराबर है। जंगलों के जलने से अब तक करोड़ों मिलियन टन कार्बन वातावरण में छोड़ा जा चुका है। 90 का दशक सबसे गर्म रहा है और तब से तापमान बढ़ोतरी के आंकड़ों को एकत्र किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए गठित सरकारी संस्था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का अनुमान है कि आने वाले 100 सालों में पृथ्वी की सतह के तापमान में 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मानव जाति द्वारा पिछले 10,000 सालों में अनुभव किए गए अब तक के परिवर्तनों में सबसे बड़ा परिवर्तन होगा और इसके साथ ही होगा बारिश के तरीकों में बदलाव और समुद्र तल का बढ़ना। इनमें से कई ने हमारे जीवन को प्रभावित करना शुरू भी कर दिया है। असामान्य मौसम पहले ही आज सच्चाई बन चुका है। उदाहरण के लिए हिमालय पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर 30 मीटर प्रतिवर्ष की दर से पिघल रहा है और अगर जलवायु में गर्मी बढ़ती गई तो नदियों में आवश्यकता से अधिक पानी बहने लगेगा। एक बार ये स्रोत सूखने लगा तो सूखे का ऐसा समय आएगा जब जीवन दायिनी नदियों में बहुत कम पानी बहेगा। ये बहुत भयावह दृश्य होगा क्योंकि पहले ही भारत के बहुत से भाग हर साल सूखे के चपेट में आ जाते हैं। समुद्र तल के ऊपर उठने का भौतिक प्रभाव तटीय इलाकों और द्वीपीय राज्यों में हो सकता है। बांग्लादेश की तरह निचले इलाकों में रहने वाले लोग विषम भौगोलिक स्थिति की वजह से भयंकर बाढ़ के कारण हमेशा भय में जीवन यापन करते हैं। बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है क्योंकि पानी को बाहर नहीं निकाला जा सकता। बाढ़ और तूफान की वजह से हजारों जानी जाती हैं। मालदीव जैसे द्वीपों पर समुद्र में समाने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। भारत के 6,000 किलोमीटर लंबे तटीय इलाके में घनी आबादी रहती है। अकेले भारत में लाखों लोग प्रभावित होंगे अगर समुद्र तल में सिर्फ 1 मीटर की वृद्धि होती है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के अनुसार इस शताब्दी के अंत तक समुद्र तल में करीब 0.5 मीटर तक की वृद्धि हो सकती है। समुद्र तल के ऊपर उठने का प्रभाव मैंग्रोव पर पड़ेगा जो अंडमान और निकोबार द्वीप के पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंग्रोव समुद्री जीवों के खाने और प्रजनन के भंडार हैं। ये मुख्य भूमि को समुद्री तूफानों की तबाही से बचाता है। जिन जगहों से ये नष्ट कर दिए गए हैं वहां भूमि का क्षरण होने लगा है। समुद्र तल के बढ़ने का आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा। उदाहरण के लिए सुंदर वन जहां दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव है, क्या होगा उन 6 लाख लोगों का जो ऐसे उद्यमों में काम करते हैं जिसका कच्चा माल
इसी क्षेत्र से मिलता है। इन लोगों का जीवन सुंदरवन के भविष्य पर निर्भर करता है। जलवायु में बदलाव समुद्री तापमान को भी बढ़ाएगा, जो कोरल रीफ्स को नष्ट कर सकता है। अगर समुद्र का पानी ज्यादा गर्म हो गया तो कोरल ब्लीच करने लगेंगे। पहले ही दुनिया में ऐसा होने के सबूत मिल रहे हैं। कोरल रीफ्स समुद्र की समृद्ध और विविधतापूर्ण दुनिया का सहायक है। समुद्र के तल के तापमान में वृद्धि शुद्ध जल और समुद्री जीवों के बंटवारे को प्रभावित करेगा। इसका सीधा प्रभाव मछुआरों की जीविका पर पड़ेगा। पश्चिम एंटार्क्टिका उपमहाद्वीपों में बर्फ पर निर्भर रहने वाले पेंगुइन भी खतरे में हैं। समुद्री बर्फ पिघल रही है। पिछले 25 सालों में इसकी संख्या में 20% की कमी आई है। तापमान और बारिश के तरीकों में परिवर्तन का सीधा प्रभाव अनगिनत प्रभावशील देशों की कृषि और खाद्यान्न की सुरक्षा पर पड़ेगा। तापमान में परिवर्तन का प्रभाव जमीन की नमी पर पड़ेगा, जिसका प्रभाव पशुओं और फसलों दोनों पर पड़ेगा। भारत जैसे देश पर, जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि केंद्रित है और बहुत हद तक वर्षा पर आधारित है, उस पर इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा। लगभग 2/3 भारतीय कृषि ज्यादातर प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे बारिश। लाखों भारतीय प्रभावित होंगे अगर वर्षा का सामान्य चक्र बिगड़ गया। किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे अगर वो वर्षा पर ज्यादा ही निर्भर रहेंगे। बारिश का बदलता मिजाज रेगिस्तानों के बनने की समस्या को और भी बढ़ाएगा। जलवायु में परिवर्तन से पृथ्वी के सभी प्रकार के जीवों को खतरा है। इसमें पेड़ और जानवर भी शामिल हैं। हालांकि इस प्रभाव की मात्रा अलग अलग जीवों के लिए संवेदनशीलता के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है। जलवायु में होने वाला परिवर्तन जंगलों के पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक संरक्षण और स्थायित्व को भी प्रभावित करेगा। ये परिवर्तन जीविका, उद्योग, जैविक विविधता, भूमि और जल संसाधनों को प्रभावित करेंगे। इसके प्रभाव से जंगल ज्यादा आर्द्रता या कम तापमान की खोज में उच्च स्थानों पर स्थानांतरित हो सकते हैं। गर्म और नमी वाले जलवायु से वेक्टरबोर्न बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे मलेरिया। पानी से पैदा होने वाली बीमारी जैसे डायरिया और हैजा भी लंबे समय के लिए फैल सकता है, जिससे अधिक जनसंख्या प्रभावित होगी। विकासशील देश जो पहले ही अधिक जनसंख्या और गरीबी की मार झेल रहे हैं, उन पर तापमान परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दुर्भाग्य से ज्यादातर विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश जलवायु पर आधारित उद्योगों पर निर्भर है, जैसे कृषि, जंगल और मत्स्य पालन। इनमें से बहुत से देश कम आर्थिक विकास की मार झेल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता प्रभाव इनकी समस्या को और बढ़ाएगा। बहुत अच्छा होगा अगर विकसित देश, जिन्होंने शुद्ध उत्पादन के लिए उच्च तकनीक विकसित कर ली है, वो इन तकनीकों को गरीब देशों में कम दाम में स्थानांतरित करेंगे। विकासशील देशों के भले के लिए ये बहुत आवश्यक है, जो पहले ही बहुत तनाव में है। ये सिद्धांत कि प्रदूषणकर्ता को ही वहन करना होगा, अब क्रियान्वित करना होगा। आर्थिक परिवर्तन जो लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा सकता है, उसको अमल में लाने के लिए ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को शुद्ध तकनीक का प्रयोग करना होगा। विकसित देशों ने समृद्ध होने के लिए दशकों तक मृदा ईंधन का उपयोग किया। आज भी उनकी प्रदूषण उत्सर्जन दर कहीं अधिक है।
राजनीति को दरकिनार करते हुए उन्हें ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। भारत की तरह के ट्रॉपिकल देशों को जलवायु परिवर्तन की मार ज्यादा झेलनी पड़ेगी बनिस्बत दुनिया के दूसरे देशों को। इन देशों का अधिकतम तापमान पहले ही मानव की अधिकतम सहन शक्ति को स्पर्श कर चुका है। तापमान में 1% की वृद्धि भी दूसरे ठंडे देशों की तुलना में बहुत बर्बादी ला सकती है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना आज मानव जाति की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। विकसित और विकासशील देशों के समुचित और सम्मिलित प्रयासों के बिना यह आसानी से संभव नहीं है। मृदा ईंधन की जगह वैकल्पिक ऊर्जा को अपनाना एक समाधान है। सभी देशों को वैकल्पिक ऊर्जा को अपनाना होगा और सूरज और हवा की शक्ति को और विकसित करना होगा। दूसरा उपाय यह भी है कि तटीय क्षेत्र की वन संपदा को बचाया जाए, जल संसाधनों का समुचित प्रबंध किया जाए, सूखे से निपटने के लिए आपातकालीन प्रबंधन की व्यवस्था और ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं जो विकास के विषयों को देखें। जलवायु के परिवर्तनों ने गरीबों को पहले ही प्रभावित करना शुरू कर दिया है। जलवायु परिवर्तन प्रभाव से निपटने के लिए बनाई गई भविष्य की योजनाएं और भी प्रभावशाली सिद्ध होंगी अगर उन्हें सीधे विकास से जोड़ा जाए। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी होगी। बदलती जलवायु के कारण नई तकनीकों का अनुसरण ही एकमात्र कुंजी है। भारत में ग्रामीण समुदायों ने अनगिनत चुनौतियों का सामना पारंपरिक तकनीकों के अनुसरण से ही किया है। गुजरात में किसी को भी जरूरत नहीं है कि वो इन किसानों को बताए कि जंगल उनकी जीवन रेखा है। गांव वालों द्वारा बनाई गई हजारों वन संरक्षण संस्थाएं वन विभाग के साथ मिलकर जंगलों को लगाने और संरक्षण के कार्य में लगी हैं। जंगलों के दोबारा आने से चारों ओर का जीवन फिर सुधर रहा है। भारत के बहुत से भागों में जल संरक्षण के पारंपरिक उपाय सूखे की महात्रासदी से निपटने में किसानों की मदद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के राज्य मध्य प्रदेश का एक जल संरक्षण अभियान जो 51,000 गांवों तक फैला है, उसने बंजर भूमि की शक्ल बदल दी है और किसानों को एक नई आशा दी है। इस प्रकार के पारंपरिक तरीके और भी करिश्मे कर सकते हैं अगर सरकार और आधुनिक संस्थाएं इनमें विज्ञान का समावेश कर दें। दूसरी जगहों पर किसान टिलेज तरीकों का भी उपयोग कर रहे हैं जिसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। देश के पश्चिमी भाग महाराष्ट्र में किसानों ने जल प्रबंधन और विपणन के लिए गैर संस्थागत जल परिषद बनाई है। इनका सिद्धांत एकदम सरल है, हर किसान को एक ही मात्रा में जल मिले चाहे उसका खेत कितना भी बड़ा हो। पानी बचाने के लिए किसानों ने अधिक पानी की मांग वाली फसल उगाना बंद कर दिया है। तर्क सिर्फ एक ही है कि बदलती जलवायु का अनुसरण करो। दशकों से पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में लाइट नहीं थी और वहां का जीवन अंधकारमय था, लेकिन अब सरकार की सहायता से ग्रामीण वैकल्पिक ऊर्जा जैसे सोलर एनर्जी, पवन चक्की और बायोगैस का प्रयोग अपने घरों को रोशन करने में कर रहे हैं। और अंधेरे में संघर्ष करना सिर्फ एक याद बनकर रह गया है, क्योंकि अब रात भी दिन जैसी हो गई है।
आगरा के पास फिरोजाबाद में कांच के बहुत से उद्योग हैं, जहां कोयले से जलने वाली भट्टियां थीं और जो वातावरण को बहुत प्रदूषित कर रही थीं। लेकिन अब ज्यादातर इकाइयां शुद्ध ईंधन का प्रयोग कर रही हैं, जैसे गैस। माधव पूरे दिन पिघले कांच में जान फूंकते हैं। एक ऐसी इकाई जो अब गैसीय ईंधन का प्रयोग कर रही है, ये एक कला है जिसे उसने वर्षों में अपने पिता और दादा से सीखा है, जिन्होंने वातावरण को बहुत प्रदूषित करने वाली भट्टियों में काम किया था। दीर्घकालीन समाधान ऐसे होने चाहिए जिनसे ग्रीन हाउस उत्सर्जन बहुत कम हो। मृदा ईंधन की जगह शुद्ध ईंधन के प्रयोग से ही ये संभव है। कई सकारात्मक प्रयास नई ऊर्जा का और नए सपनों का प्रसार कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। निश्चित रूप से जीवन के तौर तरीकों में बदलाव और मूल्यों में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी अगर स्थिति को बदलना है। हमें जीने के ऐसे तरीकों को खोजना है जो दुनिया को नुकसान न पहुंचाए। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि ये पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरत को तो पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसके लालच के लिए नहीं। क्या हमने वैज्ञानिकों की चेतावनी पर ध्यान दिया है? क्या हमने वो किया है जो हमसे उम्मीद है? दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए दुनिया को मिलकर काम करना होगा। समय कम है, हमारे पास पूरे जीवन का समय नहीं है। छिपी हुई संभावित दुर्घटनाओं से सावधान रहने के लिए हमें जो करना है वो अभी और यही करना होगा। हम ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते कि जैसे कोई दूसरी पृथ्वी है जहां हम चले जाएंगे और भागकर जाने की कोई जगह भी नहीं है। हर आते हुए पल में हमें अपने से ये पूछना होगा कि क्या हम अपने बच्चों के लिए एक सुंदर दुनिया को बनाने के काम में लग सकते हैं।